बहुत अच्छी कोशिश की भाई। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप। बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है, मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं? हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है, है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरे पास फोटोज सबमिट करने के लिए तैयार है, अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूँ। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कॉम्पिटिशन? ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो पॉप से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें एक साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे, अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन।
हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए। अब एक और सरप्राइज है, देखो। देखो, मैं हर जगह हूँ सैलम, पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। ओ, ओ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहाँ तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्ट्स हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा, क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये ग्लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। शायद याद आ गया, मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का, तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूं तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सैलम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है, मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था, और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था, तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ? हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये, एक साल के लिए बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
खुलूत मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़कों, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। कामों में। हाँ, हमें हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया, मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना। ये असल में बहुत साइंटिफिक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं, बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ उबेद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालेम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है, यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है। केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, हमें चॉकलेट की जरूरत है। ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। थोड़ी सी? बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है। अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आज पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। पर हमें कैसे पता कि
अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं, क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है? और अगर ये सुपर हीरो है तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? सुनो सालेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया, और हमारा मिक्सर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालेम, भूख लगी थी, मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी? तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं, इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया इस कंपटीशन से और सबकी गुलामी करने से भी। काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबैद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों बहुत हुआ मजा, कहाँ हो सब? मंसूर, अबैद, तुर्की, कहाँ गए सारे? शम्मा, खुलूद, कोई दिख ही नहीं रहा, सारे गए कहाँ? कोई है क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो कम से कम शांति तो मिली मुझे, कोई हुकुम भी नहीं चलाएगा मुझ पर। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना, प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। शुक्र है जो तुम सब गायब नहीं हुए।
मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था। मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने, बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं। तो किसने जीता है, किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ, तुमने तो केक से पूरा नहा लिया। मंसूर, फिशिंग रॉड्स रख लेना, ठीक है? जैसा आप कहें कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां ले लो। जैसा आप कहें कैप्टन। उबेद कहाँ है? हम ही सारा काम कर रहे हैं। मेरे लिए रुको। हाँ? ओह, देखो क्या डिस्काउंट मिला है मुझे। मूंगफलियों पर एक फ्री का ऑफर था। उबेद, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो फिशिंग करने जा रहे है ना, आखिर इतनी सारी मूंगफलियों का क्या करेंगे? ओह, किसे पता कब क्या काम आ जाए। कोई बात नहीं उबैद, चलो बच्चों बैग्स उठा लो। स्टारबोर्ड 3 डिग्रीज, वो फिशिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओपल समंदर। ओपल समंदर, इसके बारे में कभी नहीं सुना। ओपल समंदर पहेलियों से भरा। कहते हैं उस बिछड़े आइलैंड पर बड़े बड़े दानव हैं, बड़े जीवों की वहाँ भरमार है। लेकिन ये सिर्फ कहानी है ना दादाजी? हाँ, ये जगह असली में थोड़ी ना है। क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या आप वहाँ गए हैं दादाजी? अगर मैं सच कहूँ तो मैं बड़े जीवों से दूर ही रहता हूँ। सालिम सही है, ये जगह पुरानी कहानियों में एक है, पर यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मिलेंगी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। चलो चलकर मछलियाँ पकड़ें। चलो मछली पकड़ते हैं। बचकर रहना, मछलियों हमारे हैं। काले बादल और धुंध, ठंड भी बढ़ गई है। अरे ये अंधेरा कहाँ से आ गया? रॉड्स को साइड में रखो, धुंध छटने तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। धुंध से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तब कुछ बात बने। दादाजी क्या हो गया? एक मिनट, कंपास को देखो। अजीब है। और तो और ये रेडियो भी नहीं चल रहा। बस बहुत हुआ, ये एक बिजली का तूफान है, धुंध के साथ अक्सर आती है। कोई नीचे से उठने वाला बादल होगा। और बिजली ने सारी डिवाइसेस ठप कर दिए हैं। सही कहा। हम सब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे, घबराओ मत बच्चों। हम रेतीले बीच पर पहुँच गए, ये काफी बुरा हो सकता था। सही कहा, पत्थरों से तो अच्छा ही है। अब देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये तो मुड़ गई है, इसे ठीक करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? क्यों नहीं, मेरे पास सारे औजार हैं। लेकिन तब तक तुम चाहो तो मछलियाँ पकड़ लो, उतनी देर में मैं काम शुरू कर देता हूँ। क्यों नहीं।
इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। देखते हैं इसे क्या हुआ। भूख लगी है, उम्मीद है कुछ जल्दी मिल जाए। मिल गया। हाँ, हाँ, मदद करो, ये काफी बड़ा है। देखो कितना बड़ा है। इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी। और नहीं पकड़ पाऊंगा। जैसा दादाजी ने कहा था। क्या? हम उसी आइलैंड पर तो हैं, जहाँ पर बड़े जीव हैं। पर ये तो बस एक पुरानी कहानी ही थी ना, सही कहा ना? उवेद सही है, हमें छिपना होगा। चलो दादाजी, दादाजी बचिए। चलो चले। तुम जाओ यहाँ से। डायरेक्ट लग गया, जल्दी एक और फेंको। धक्का दो। अब हम सुरक्षित हैं। शायद नहीं। यहाँ जानवरों को क्या खिलाया जाता है? वो सब छोड़ो, बस हम उनका खाना ना बन जाएं। हमें नीचे उतरना होगा। लगता है ये कीड़ा तो उसके लिए बस एक स्टार्टर की तरह था। और हम उसका मेन कोर्स बनेंगे, अब क्या करें? रुको, मेरे ख्याल से ये फ्रेंडली है। मंसूर तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं करेगा, पीछे देखो। अगर आगे आए तो मैं दादाजी। मंसूर। दादाजी मेरे ख्याल से ये बाप बेटे हैं। इसे रोकना होगा, वरना ये बोट को तोड़ देगा। मैंने सुना है पूंगफलियां बंदरों को बड़ी पसंद है। नीचे नीचे। हाँ। घर जाना है। लगता है काम बन रहा है। ये लो। कस के पकड़ो। वो देखो। बच गए दोस्तों। यहाँ इस साइलेंट पे हर कोई हमें खाना क्यों चाहता है? जूनियर की मदद करनी होगी, जल्दी मुझे रॉड दीजिए। मंसूर अभी फिशिंग के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करो और हमला करो। हमने मछलियां तो नहीं पकड़ी, पर एक बड़ा सा पक्षी पकड़ लिया। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले कि यहाँ एक बड़ा केकड़ा आ जाए। चलो चलते हैं।
लेकिन ये ठीक नहीं हुई तो कहीं जाना मुश्किल है, और ऊपर से मेरा हथौड़ा भी नहीं मिल रहा है। कोशिश करते हैं दादाजी। ये इतना मजबूत नहीं है। तो अब क्या? ये हुई ना बात। चलो ये काम तो बढ़िया हो गया, चलो घर चलते हैं। एक सेकंड, उबेद इन्हें मूंगफली दे दो। बाय बाय। दादाजी देखिए वो धुंध, हमें घर जाने के लिए उसी में से जाना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स उठा लो, क्योंकि अभी हम वहां हैं जहां पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। आपने सही कहा। स्पेशल एजेंट बदर, हम लोकेशन पर पहुंच गए। खुफिया अड्डा डबल एक्स शंकूल का। आपको गुड लक सर। शुक्रिया, पर मुझे लक की जरूरत नहीं है। मत डबल एक्स अंकुल। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे जासूस सैटेलाइट को पकड़ ही लिया, अब तुम जेल जाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एजेंट बादर। हाय, क्या कर रहे हो तुम मंसूर? देखो हो गया। पांच नए इन्वेंशंस, क्या ये काम करते हैं? दोस्तों जानने का एक ही तरीका है, पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। पीछे हो जाओ। वाह, ये क्या है? ये है बाउंसर 1000। और ये क्या करता है? मैं अभी दिखाता हूँ। ओ वाह, क्या मैं भी ट्राई करूँ अब? बिल्कुल। क्या इसे चलाना आसान है? हाँ, जिस तरफ जाना है उस तरफ झुक जाओ, कोई भी चला सकता है। हाँ, ओबेद को छोड़कर कोई भी। ओ, 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 अरे बचाओ! ओह नहीं, उसे पकड़ना होगा। ओबेद, मैं यहाँ हूँ। वही रुक जाओ, तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? देखो इससे।
ये क्या है? ये डिब्बे में रस्सी है, ये जरूर काम आएगा, देखते जाओ। कमाल कर दिया मंसूर। रुको, हम आ रहे हैं। दोस्तों शुक्र है मैं उस गुब्बारे से बाहर निकल आया, मुझसे तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही नहीं चल पाया। ये कौन सी जगह है? चलो चलकर देखते हैं। कोई है? चलो रुको तो सही। क्या कोई है? ये क्या है? पता नहीं। ओह, ये जगह बहुत अजीब है। घबराओ मत, सब ठीक होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। आप कौन हैं? एक खुफिया एजेंट। ये कौन सी जगह है? बच्चों ये एक शातिर गुंडे का हेडक्वार्टर है। और आपको इस डब्बे में क्यों बंद रखा है? एक लाल आंख वाले रोबो ने मुझे बांधा है। आप चाहे तो आपको खोल दे। हाँ प्लीज खोल दो। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मुझे डबल एक्स शंकुल को पकड़कर उसके सैटेलाइट को नष्ट करना होगा। क्या बात है, लगता है अब हमें एक असली मिशन पर है, वो भी एक असली जासूस के साथ। मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जिनसे मैं टीम के बड़े बड़े डब्बों का सामना कर सकता था, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे पास कुछ इन्वेंशन है जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें जल्दी निकालो। ये क्या है? रॉकेट की रफ्तार वाले जूते। पर पता नहीं हमारे कैसे काम आएंगे। बस देखते जाइए। क्या बात है, चलो अब डबल एक्स शंकुल और उस जासूसी सैटेलाइट को पकड़ते हैं। उस सैटेलाइट से तुम दूर हटो। देर कर दी। मंसूर क्या तुम्हारे पास और कोई गैजेट है? नहीं। बहुत अच्छे, अब हमें इसे तोड़ना होगा। मैं संभाल लूंगा। ओबेद पकड़ो इसे। माफ करना। बहुत अच्छे ओबेद, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा सकते हो, मैं सही था ना? तुमने मेरा जासूसी सैटेलाइट तोड़ दिया, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। बच्चों चलो चलें। अरे वाह, ये चीज क्या है? ये भी मेरा इन्वेंशन है, आप इसके सीट पर बैठकर इसे चला सकते हैं। शंकुल रुक जाओ, वो बच के निकल जाएगा। इसे ट्राई कीजिए। ये क्या? ये सुपर स्लाइम है, टकराते ही एक्सपांड हो जाएगा। क्या बात है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो।
मारो। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ। इतनी मेहनत मत करो, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात है। कितने सारे हैं? तुम्हारे पास और कौन से गैजेट्स हैं? मेरे पास ये है। क्या बात है, ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटा सा रबर डकी है। अच्छा। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है पूछो। कौन है फिर? वो तुम हो। मैं? उबेद, जाओ और मदद ले आओ जल्दी। ओ, मुझे माफ कर जाओ। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे रोबोट की सेना। ये सब कुछ तोड़ना उबेद ही कर सकता है मंसूर। जासूसी सैटेलाइट और रोबोट की सेना दोनों खत्म हो चुकी है मंसूर, और हमने इसे पकड़ भी लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम आ गए, और मैं मानता था कि मेरी कामयाबी का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हारे बिना कामयाब नहीं हो सकता था, तुम्हारे दोस्तों के और गैजेट्स के बिना। और हम ये सब उबेद के बिना नहीं कर पाते, दुनिया का सबसे खराब ड्राइवर। अच्छी कोशिश की भाई, अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते, जिसका नाम है बिंगो पॉप। बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है, मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं? हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है, है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरे पास फोटोज सबमिट करने के लिए तैयार है, अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ। और इसीलिए मेरे भाई, मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूँ। बाय बाय।
सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कॉम्पिटिशन? ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ, क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो बॉब से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें एक साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालिम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे, अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन। हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए, अब एक और सरप्राइज है, देखो। देखो, मैं हर जगह हूँ सैलम, पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। ओ, ओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूं तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहाँ तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्ट्स हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा, क्या तुम हमें वो सुना सकते हो?
मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये ग्लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। शायद याद आ गया। मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का। तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूं तो मैंने वो नहीं लिखा था। मेरे भाई सैलम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है। मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था, तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ? हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये, एक साल के लिए बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना? खुलूत मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़कों, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। कामों में। हाँ, हमें हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया, मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना। ये असल में बहुत साइंटिफिक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं,
बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ उबेद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालिम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है, यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है। केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल हमें चॉकलेट की जरूरत है, ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। थोड़ी सी? बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है। अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आज पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। पर हमें कैसे पता कि अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं? क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है? और अगर ये सुपर हीरो है तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? सुनो सालिम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया, और हमारा मिक्सर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालिम, भूख लगी थी, मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी? तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं, इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया इस कंपटीशन से और सबकी गुलामी करने से भी। काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबेद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों बहुत हुआ मजा, कहाँ हो सब? मंसूर, अबेद, तुर्की, कहाँ गए सारे? शम्मा, खुलूद, कोई दिख ही नहीं रहा, सारे गए कहाँ?
क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो कम से कम शांति तो मिली मुझे। कोई हुकुम भी नहीं चलाएगा मुझ पर। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना, प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। गायब नहीं हुए। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था। मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने, बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं? तो किसने जीता है? किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ? तुमने तो केक से पूरा नहा लिया। हा, हा, हा।